हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सलोरा का टीवी है, तो देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका पिक्चर एक साइड शिफ्ट हो गया है और एक नीला बार भी आ रहा है। तो देखते हैं ये किस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो इसके पहले आपको बता दूं कि इसमें और क्या क्या खराबी थी। तो देख पा रहे होंगे यहाँ एक ESD इसका ख़राब था, तो हमने नया डाल दिया है। उसका नंबर बताता हूँ, ESD का नंबर है EF 22542। इसके जगह हमने नया ESD डाला है। हमारा टीवी चालू हो गया, लेकिन इसमें आपको जो दिखाया है वो AFC का प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं ये कहाँ से आता है। तो हम चेक करते हैं, ये देख पा रहे होंगे कि आप ESD के पिन नंबर नौ पे AFC का पॉइंट है। तो यहाँ देखेंगे हम वोल्टेज मीटर पे देख पा रहे होंगे 22.5 वोल्ट। और ये सर्किट जा रहा है आगे, देख पा रहे होंगे ये रेजिस्टर है, इस पर देख पा रहे होंगे 22.6। अभी उसके नीचे चेक करते हैं, तो यह हमें दिखा रहा है 0 वोल्ट। तो देखते हैं ये सप्लाई कहाँ जा रही है। तो ये यहाँ एक डायोड लगा, जिनर डायोड लगा हुआ है, इससे होते हुए ये सीधा जा रहा है एक रेजिस्टर के जंपर के थ्रू, और एक रेजिस्टर होते हुए सीधा IC में। तो आइए चेक करते हैं कि आखिर ये जिनर शॉर्ट है या रजिस्टर ख़राब है। तो हम देखते हैं अभी ये जिनर शॉर्ट है कि क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही होंगी, यह एक जिनर शॉर्ट है। आइए हम इसे निकाल के चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जिनर शॉर्ट है, तो हम इसकी जगह दूसरा जिनर लगाएंगे और देखेंगे कि फॉल्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम पहले ऐसे ऊपर से ही लगा के देखते हैं। अभी हम टीवी चालू कर रहे हैं और देखते हैं अभी वोल्टेज क्या आ रहा है। देख पा रहे हैं मीटर पे 1.2 वोल्ट आ रहा है, और अभी आगे चल के देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब पिक्चर लगा के देखते हैं। हजार रुपया दस करा उछल।
देख पा रहे कि हमारा पिक्चर ओके हो गया। तो देख सकते हैं AFC से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपके लिए मैं नए नए वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँ।